जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो इस समय के राजनीति है बीजेपी की और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है उनकी और सरकार की, तो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत दबाव में है और मानसिक तनाव में भी है। लेकिन उनको ये पता है कि इस समय हम कुछ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे या कुछ भी करेंगे, सड़क पे अगर उतरेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा जो है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का पुलिस में भी काफी बायस आ गया है जो धर्म का और जाति का, हिंदू मुस्लिम का, तो वो, लेकिन वो कुंठा में और तनाव में है। तो वो क्या करेंगे कि इस बार जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई मायावती कोशिश कर रही हैं कि भाई अधिक से अधिक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करें और जिससे वो जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस और सपा का नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि इस बार चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी का की प्रायोरिटी ये होगी कि मुस्लिम वोट बिखरे नहीं, और उसमें उनकी प्रायोरिटी कांग्रेस और सपा होगी, भले बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया। तो ये जो मुस्लिम वोटरों का कंसोलिडेशन मुझे लगता है, हालांकि वो एक अलग खतरा रहता है कि जब मुस्लिम पोलराइज होते हैं तो रिवर्स पोलराइजेशन हिंदुओं का हो जाता है। तो लेकिन ये जरूर है कि मुझे लगता है कि मुस्लिम जो है चूंकि अपने को असुरक्षित और भेदभाव और उत्पीड़ित महसूस कर रहा है, वो सही गलत अलग चीज होती है, एक परसेप्शन होता है। आप उसको बहुत सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इस बात से अचरज कर रहे हैं कि क्यों इतनी भीड़ पहुंची या क्यों मायावती ने या अखिलेश यादव ने या और राजनीतिक दलों ने क्यों भाई उसकी मौत की न्यायिक जांच की मांग की, क्यों उस पे संदेह किया जा रहा है उसकी मौत पे, क्योंकि उसने कहा था और एक तरह से उनके वकील मैं तो... मैं आपको रोक करके एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का, जिन्होंने इसकी वजह बताई थी कि आखिर मुख्तार को क्यों खत्म किया करने की एक कोशिश हो रही है। मैं एक वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। वादी मुकदमा है, अब मुख्य अक्यूज्ड है वो, तो गवाही हो जाएगी तो उसका हशर क्या होगा। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि इस मुकदमे का ट्रायल स्टेट के बाहर कर दिया जाए, पूरी स्टेट की मशीनरी अभियोजन सब उसको बचाने में लगा है। तो अब वहाँ से नोटिस हो गई स्टेट को, कोई डेट लगी है, फिक्स हुई है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोई सुनवाई हो, कोई आर्डर पास हो, तो ये सब भय सता रहा है। तो ये आदमी हट जाएगा तो सेफ हो जाएगा। ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बृजेश सिंह पर कि सरकार की जो पूरी मशीनरी है वो ये लगी हुई थी कि अगर ये मुख्तार अंसारी हट जाएगा, मतलब गवाही नहीं हो पाएगी, तो उसरी चट्टी कांड में जिसमें मुख्तार अंसारी पर बृजेश सिंह और उनके गैंग के लोगों ने हमला किया था, उस मामले में बृजेश सिंह बच जाएंगे। ऐसा सीधा आरोप जो है मुख्तार अंसारी के भाई 19 मार्च को उन्होंने लगाया था, जब पहली बार मुख्तार अंसारी को खाने में जहर देने की बात की गई थी। हालांकि इस बारे में उन्होंने कोर्ट में भी लिख करके दिया है कि उनके खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है ताकि मेरी मौत हो सके, हो जाए। तब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी उनसे मिलने गए थे। जब वो मिलने गए थे तब उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया था और फिर जेल में डाल दिया गया था। वो मुलाकात किए थे, उसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। देखिए, मेरा अपना अनुभव है या मेरा अपना परसेप्शन है, राय है, धारणा है। नहीं, आपने तो मुख्तार अंसारी के कई इंटरव्यू मुख्तार अंसारी के आपने किए, अफजाल अंसारी के जब आप बीबीसी में थे तब भी आपने इंटरव्यू किया। हाँ, और मऊ का जो दंगा था उसको भी आपने बड़ा करीब से देखा। जो भी भाई घटनाएं होती है तो उसमें जो भी संबंधित पक्ष है उनका तो हम लोगों को बातचीत करनी ही पड़ती है और करना चाहिए भी। और मुख्तार एमएलए थे तो सेशन अटेंड करने आते थे, तो यहाँ भी भेंट होती थी, तो एक पत्रकार के नाते। तो मैं एक दूसरी बात कह रहा था, मेरा ये कहना है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो भी, चाहे वो बॉर्डर से तस्करी का हो, चाहे गायों की तस्करी का हो, चाहे कोयले की तस्करी का हो, चाहे किडनेपिंग, जैसे किडनेपिंग बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम है, रैंडम ऐसा नहीं होता कि किसी को उठा लिया, पहले रिसर्च होती है कि भाई जो टारगेट है उसके पास पैसा है कि नहीं, दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसकी गतिविधि क्या है, कब आता है, कब जाता है, कहाँ से उठाना है, वगैरह वगैरह।
तो जितना भी ऑर्गेनाइज क्राइम है तो वो जो एनफोर्समेंट एजेंसी होती है सरकार की, उनके अफसरों की मिली भगत से होता है, बिना उनके कनाइवेंस के और बिना उनके कोऑपरेशन के नहीं होता। तो जाहिर है कि जो भी माफिया हैं जिनका नाम इन्होंने लिया अफजाल अंसारी ने ब्रजेश सिंह का या है, तो उनके भी सपोर्टर अफसर होंगे, डेफिनेटली होंगे, और उनकी मदद कर रहे होंगे, वो जेल में भी होंगे, पुलिस में भी होंगे, और भी जगह हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वो तो चाहेंगे कि भाई उनका जो राइवल गैंग है या उस गैंग का लीडर जो है वो खत्म हो जाए। अब वो चाहना, मैं चाहेंगे बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसके लिए उन्होंने कोई सक्रिय प्रयास किया नहीं किया, लेकिन कानून में एक प्रिजम्पशन है कि मरने से पहले अगर कोई आदमी कोई बात कहता है तो उसको सच माना जाता है। तो उनके वकील ने यही कोर्ट में बाराबंकी में दरखास्त दिया है कि भाई उसको डाइंग डिक्लेरेशन मान करके और उसकी जांच होनी चाहिए कोर्ट में कि भाई उनको स्लो पॉइजन या पॉइजन किया क्यों दिया गया, कौन देता है। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि आप, मैं तो इमरजेंसी में जेल में था तो मुझे पता है कि जेल का एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऐसे चलता है, तो जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोस्टली वो क्रिमिनल ही चलाते हैं, वो सिपाही वार्डन नहीं चलाते, उसको नंबरदार और पक्का बोलते हैं, वही लोग चलाते हैं। तो हो सकता है कि जेल के सरकारी स्टाफ के बजाय किसी और जो एम्प्लाईज होते हैं, कुक है, नंबरदार है, पक्का है, या किसी और के जरिए, या जो भी है, या जेल प्रशासन ने उसको मदद भी कर सकते हैं, आई डोंट नो, मैं उसको कह नहीं सकता, लेकिन आरोप उनके फैमिली का तो है। तो दिया जरूर गया होगा क्योंकि अभी 63 साल की उम्र थी, काफी स्वस्थ लगता था, खिलाड़ी आदमी था, मनोबल उसका काफी बड़ा था, तो लगता नहीं है कि वो नॉर्मल डेथ है। एक बात और इसमें देखिए कि अब हमारे सिस्टम का क्या है कि नॉर्मली ये सुना जाता है कि जब किसी के परिवार में या तो विवाह होती है या डेथ होती है तो अगर कोई जेल में बंद है तो उसको पैरोल मिल जाती है, और वो पैरोल जो है वो कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही इस स्तर से हो जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट उसका फोरम भी नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, इसके कारण भी तो वहाँ सिंपैथी होगी कि उसके बेटे को जनाजे में जो अंत्येष्टि है उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। क्या आप समझते हैं कि पब्लिक में इसका रिएक्शन नहीं होगा? तो ये सब बहुत से कारण हैं और जिससे रिएक्शन होता है, और सरकार सब कुछ कर सकती है लेकिन किसी जिसने किसी की मदद की हो उसके प्रति श्रद्धा या हमदर्दी रखने से नहीं रोक सकती। वो ठीक है, कानून के निगाह में वो माफिया था, बिल्कुल उसका एक पहलू है, अपराधी था, उसके लिए वो एक पहलू है, लेकिन वो अकेला तो नहीं है ना। सवाल यह है कि उसी पूर्वांचल में और जो दूसरे माफिया हैं, अब ऐसा लगता है कि जानबूझ के लिए उनके कॉम्पिटिशन खत्म किया जा रहा है ताकि उनके लिए रास्ता बनाया जाए, खुला मैदान छोड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। और दुर्भाग्य से ये होता है कि भाई जब किसी जाति का व्यक्ति सत्ता में आ जाते हैं और उनके साथ कोई फेवर होता है या कार्रवाई नहीं होती तो फिर लोग संबंध 2+2=4 जोड़ लेते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि कोई सच्चाई हो, तो उसकी आंच जो है जाती है ऊपर तक। बिल्कुल, मतलब इसका जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, खासकर पूर्वांचल की राजनीति है, मुख्तार अंसारी की मौत का असर जरूर दिखाई देगा अब्बास अंसारी। पूर्वांचल नहीं, ये इसका असर बिहार पे भी दिखेगा और इसका असर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, मेरठ, उधर भी दिखेगा ना। क्योंकि देखिए, एक और भी है कि ये कम्युनिटी का जो रीत रिवाज है उनमें आपस में मेल जोल का काफी अपॉर्चुनिटीज होती है, नमाज के समय मिलते हैं, फ्राइडे नमाज को जरूर मिलते हैं, वहाँ आपस में बात होती है, खुतबा होता है, तो उस कम्युनिटी में आपसी कोऑपरेशन, चर्चा मुसलमानों में उसकी संभावनाएं और उसके अवसर ज्यादा हैं। तो ये जब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, ऐसा नहीं कि उसका असर केवल पूर्वांचल में होगा। मेरे ख्याल से सुनील शुक्ला जी सुनील जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं फाइनल कमेंट, बात पूरी आप सुनवाइए हम लोगों को, हम सुनना चाहते हैं, पूरा फाइनल कमेंट आपका लेना चाहते हैं, चूंकि आप पूर्वांचल से हैं, प्रयागराज से हैं,
और क्या मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसका कोई राजनीतिक असर पड़ेगा? धन्यवाद देवकिनंदन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति था, माफिया था, लेकिन इसकी मौत का जो तरीका रहा, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, वो किसी समय समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप किसी ने 2005 से यह जेल में बंद था, क्या प्रदेश के किसी कोने में 5 आदमी बैठ करके धरना दिए हैं क्या कि उनको रिहा किया जाए? जिस यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के इलाके में सर्वाधिक पॉपुलर रहे हैं, कहीं 2 आदमी में निकल के सड़क पर आए कि नहीं साहब इनको आप रिहा कीजिए? नहीं, इस देश के लोगों की न्याय व्यवस्था में एक आस्था है। तमाम मुकदमे थे, उनको अपने जेल भेजा, तमाम मुकदमे उनको सजा हुई, लेकिन क्या एक अपराधी को भी, सजा याफ्ता व्यक्ति को भी उसको इस तरह से मरने दिया जाए? न्यायिक हिरासत में उसकी जान की हिफाजत नहीं होगी? किस समाज में लोग रह रहे हैं? क्या कभी आप कसाब जो गोली चलाते हुए पूरी दुनिया ने देखा था, उसका भी ट्रायल हुआ इस देश में, पकड़ किसी ने गोली तो मार नहीं दी, कई महीनों तक वो जेल में रहा, फांसी की सजा हुई, हम सबने देखा। अगर मुख्तार अंसारी जेल में था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमे थे, कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उनकी जांच होनी चाहिए, किसी अपराधी के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, लेकिन कानून के पक्ष में तो खड़ा होना पड़ेगा ना। ये तो तरीका नहीं है, एक व्यक्ति अपनी जान का खतरा बता रहा है और ये कह रहा है कि हमको जहर दिया जा रहा है, इसको पुष्ट करने चाहे इसको खारिज करने का कोई उपक्रम तो दिखाई पड़े। किसी व्यक्ति, हम पहली बार ही देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को आप अस्पताल ले जाते हैं, उसको आईसीयू में भर्ती करते हैं और कुछ घंटे के बाद छोड़ देते हैं, आईसीयू से मरीज इस तरह से निकलता है। क्या जो मेडिकल प्रोसीजर है, सर्वमान्य मेडिकल प्रोसीजर है, उसमें शामिल है क्या आईसीयू में भर्ती करने के बाद कुछ घंटे के बाद उसको आप छोड़ दें? मेडिकल सुपरविजन में आप नहीं रखेंगे? जो आरोप 24 घंटे मिनिमम 48 घंटे आप रखते हैं ना उसको, नहीं, वो ही मेडिकल प्रोसीजर ही है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप मेडिकल का है, उसमें क्या आप, अगर किसी को आपने आईसीयू में भर्ती किया है तो मिनिमम 48 घंटे उसका मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखेंगे, आप तुरंत रिहा लेके चले जाते हैं, फिर जेल में भर्ती कर देते हैं, और जो समस्या थी उस व्यक्ति की उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते आप। ये तो मतलब कहीं भी कानून सम्मत राज्य में तो ये उम्मीद की जा सकती, और राज्य की सुरक्षा में कोई व्यक्ति हो और उसकी इस तरह से मृत्यु हो जाए, बड़े सवाल पैदा करते हैं, फिर कहाँ, कौन सा व्यक्ति सुरक्षित रहेगा? और जो उनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनको इसलिए उनकी जान के ऊपर साजिश रची गई कि वो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के को लोग बचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये मुख्य गवाह थे, मुख्यवादी था, और उनके गवाही न होने पावे, इस आरोप को खारिज करने के लिए राज्य सरकार ने, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया? इसमें 2005 से जेल में बंद होने के बावजूद जेल में रहते हुए आदमी चुनाव जीतता रहा, कोई नहीं रोक पाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सहित मेरा मानना है गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, बलिया, ये कम से कम 4 संसदीय क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा। और ऐसा नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप भी मानते हैं कि इस समय एक परसेप्शन कुछ सालों से, 4-5-7 सालों से बना है यूपी में, कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे से ऊपर तक, उसमें एक एक तो कम्युनल बायस आ गया है कि साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या धर्म के लोग अगर हैं, उनसे जरा भी कोई गलती होती है तो एक तो उनको जो है निपटाना है, या उनको जैसे भी साफ करना है, या जो भी है, एक मतलब कड़ी से कड़ी सजा, अगर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, छोटा सा प्रदर्शन भी हुआ तो लाठी डंडा चला के और जेल करके भेजना है उनको, एक। और वहीं दूसरा, एक उसी के साथ ये परसेप्शन है कि वहीं अगर दूसरी बिरादरी के लोग हैं, एक पर्टिकुलर जाति विशेष के लोग हैं, तो वो कुछ भी करें उनको छूट है। तो ये जो भेदभाव परक अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको नहीं लगता कि इससे जनता में मतलब किसी के प्रति हमदर्दी और किसी के प्रति नाराजगी भी होती है फिर? ये तो बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है,
नमाज पढ़ने वालों को आप जूते से मारना शुरू कर देते हैं और कांवड़ यात्रियों के ऊपर आप पुष्प वर्षा करते हैं। साफ दिखता है पूरे महीने भर, पूरे सावन के महीने भर जो मुख्य कई सड़कें हैं जो एक तरफ से एक तरफा कर दी जाती है, उनके यातायात प्रतिबंधित कर दिया जाता है पूरे महीने, चाहे वो बनारस से प्रयागराज की सड़क हो, चाहे वो गढ़मुक्तेश्वर से हरिद्वार की सड़क हो, चाहे मेरठ से हरिद्वार की सड़क हो, अब वहां देख मैंने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुक जाती है। ठीक है आप नहीं, सामान्य सामान्य नागरिक यात्री जाता है उसको खतरा हो जाता है, मारपीट कर देते हैं उनके साथ। आप गांव में पूछिए ना जिन गांव से लोग गुजरते हैं, और आप किसी भी व्यक्ति की शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल ये विषय थोड़ा अलग हो गया है। मैं एक सवाल सिर्फ आप अलग नहीं है, ये जो कम्युनल बायस है या जाति का जो बायस है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, जी जी ये एक चीज देवकी रंजन जी जो लिखा गया मुख्तार अंसारी के जनाजे में एमएलए बेटा अब्बास अंसारी नहीं शामिल हो पाया, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, यह याचिका दाखिल नहीं हो पाई थी कल। नहीं मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्या है सुनील जी, ये तो पेरोल तो डीएम या लोकल हाँ, कोर्ट आप सोचिए, अब आप अंदाजा लगाइए राम रहीम को सजा मैंने सजा याफ्ता आपने कितने पेरोल दिए, कितने पेरोल दिए और लगातार पेरोल की अवधि बढ़ती चली गई। ये तो डीएम के काम है। अगर अगर मैं ठीक है आपने कोई अब्बास अंसारी तो कोई सजा याफ्ता नहीं है, वो तो आरोपी है और निर्वासित प्रतिनिधि भी है। हाँ आप उनके साथ पुलिस की टुकड़ी लगा देते हैं भाई उनको वापस सुरक्षा मिल जाती है, पुलिस सुरक्षा मिल इस तरह का माहौल बना करके आप तो अनायास आप एक तरफ आप उसको माफिया बताते हैं, दूसरी तरफ लोगों में सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करते हैं। यही मुख्तार अंसारी की सजा न्यायालय से होती, आप बताइए ना उसको कम से कम तीन मामलों में आजीवन कारावास की सजा हुई जी। समाज के किसी कोने में कहीं प्रदर्शन देखा आपने, स्वीकार करते है जनता नहीं, लेकिन मौत के बाद क्या इसका पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसी गाजीपुर जिले में मनोज सिन्हा जैसा प्रतापी मंत्री हार गया, इस बार बीजेपी भी कैंडिडेट नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही, और भारतीय जनता पार्टी ने अफजल अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। और मेरा अपना मानना यह है कि गाजीपुर, बलिया, घोसी, आजमगढ़, मैं कह सकता हूं चंदौली, ये तमाम संसदीय क्षेत्रों पर इसका असर पड़ेगा। नहीं मुझे लगता है वाइड पड़ेगा, मुझे लगता है कि पश्चिम में भी देखिए ये जो मुस्लिम कम्युनिटी इस समय जिस तरह से तनाव में और दबाव में है तो उसको तो वो कंसोलिडेट नहीं नहीं मुख्तार अंसारी को या अफजाल अंसारी को केवल मुस्लिम कम्युनिटी तक सीमित मत कीजिए। आप एक कम्युनिटी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, संभव नहीं है। नहीं नहीं मैं एक सेकंड मैं कह रहा हूँ कि जो पूर्वांचल के 5-6 जिले हैं तो वो तो हिंदुओं के भी मदद करता था, आज जनाजे में हिंदू भी है। हाँ। लेकिन मैं एक दूसरा पहलू उसके कह रहा हूँ कि सरकार के जो भेदभाव परक नीति है उससे भी जो कम्युनिटी तनाव में है और एकजुट करके जो टैक्टिकल वोटिंग का है, बिल्कुल सही है, घटना से और उस पे बल मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल उस पर बल मिलेगा।